विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, यह मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, यह मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस की क्या संजय लीला भंसाली की कहानी है ये फिल्म? क्या फिल्म में होगा रोमांस? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। साल 2019 में संजय लीला भंसाली ने अपने मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट के तौर पर इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी। साथ ही ये ना सिर्फ एक मैग्नम ओपस फिल्म होने वाली है बल्कि एक म्यूजिकल ड्रामा होने वाला है, जहां एक तरफ सिर्फ संजय लीला भंसाली का ही इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करना और अपना मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट बताना ही इसका अमेजिंग और दमदार होना पहले से ही कन्फर्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक और चीज है जो इससे और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाता है और वो है इसका सोली म्यूजिक का थीम पर बेस्ड होना। साथ ही संजय लीला भंसाली ने सोशल मीडिया के थ्रू ये भी अनाउंस की है कि ये होने वाली है मैवरिक मास्टियो की रिवेंज स्टोरी, जबकि अब तक सभी को लग रहा था कि ये 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा के रीमेक होने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ नाम बल्कि फिल्म की थीम भी काफी सेम है। फिल्म बैजू बावरा में भी बैजू अपने पिता के साथ ही अपमान का ही बदला लेना चाहता था तानसेन से, जिसके लिए वो एक लंबे सफर पर निकल पड़ता है ताकि एक दिन तानसेन से भी कुछ बढ़िया करके वो अपने पिता के अपमान का बदला ले सके। इस सफर में बैजू को प्यार, नफरत और जिंदगी का कई पहलू को गुजरना पड़ा, क्योंकि उसके गुरु ने बताया था कि असली संगीत सिर्फ प्यार करने वाले दिल से निकल सकता है। ईर्ष्या, द्वेष या नफरत की आग को दिल में पना देने पर दिल से भी वैसे ही सुर निकलती है, इसलिए बैजू को प्यार करना सिखाना होगा। प्यार में मिले गम को भी सहना होगा, तभी उसके आवाज में प्यार और दर्द दोनों ही झलकेगा और सुनने वाले भी उसका दर्द उसके संगीत द्वारा महसूस कर पाएंगे। मैवरिक मास्टियो की कहानी बैजू की तरह तो ना सही पर कुछ कुछ वैसे ही है। मैवरिक मास्टियो भी अपने संगीत के द्वारा लोगों के बीच प्यार जगाना चाहते थे। संगीत ही उसकी दुनिया थी, उसकी जिंदगी थी, उसका मकसद सब कुछ बिल्कुल बैजू जैसा। पर अब तक हमें ये नहीं पता कि मैवरिक मास्टियो की रिवेंज स्टोरी क्या है और यही इस फिल्म की बेहद खास बात होने वाली है। पर जैसा कि संजय लीला भंसाली की हर फिल्म में होता है कि एक एपिक रोमांटिक स्टोरी, तो क्या इस बार भी होगी इस फिल्म में कोई लव स्टोरी? रिवेंज के साथ कैसी होगी लव स्टोरी, ये तो देखने पर ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।